नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भैया ओमिक्रॉन के मामले में। जी हाँ, 8-10 पॉइंट पे बात करेंगे। एक ओमिक्रॉन नहीं, और भी बहुत सारी बात कर रहे हैं लोग, विदेशों से आ रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी नाम और मोबाइल नंबर लिखवा रहे हैं। जी हाँ, एयर इंडिया फ्लाइट है उसको भी नोटिस दिया गया। इंडिया में अभी ओमिक्रॉन कितने देशों में फैला है, क्या स्थिति है, 8-10 पॉइंट बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको कुछ बातें समझ में आए, ताकि आप भी सतर्क और सावधान रहे। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया में बात करें तो भाई ओमिक्रॉन के 13 मामले बाकायदा रिपोर्ट आ चुकी है। 13 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें राजस्थान में 5 हैं, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान में है 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। दक्षिणी अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। 24 नवंबर से शुरू होकर अगर आज तक की बात करें तो 50 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है, 50 देशों में। जी हाँ साथियों, हालांकि अच्छी बात, राहत की बात यह है कि अब तक कोई मौत नहीं हुई, यानी ये फैलता तेजी से है लेकिन मौत के मामले में इसके जो वायरस हैं वो लूज हैं, ये समझ सकते हैं, कमजोर हैं, आदमी को मौत नहीं हो रही है। और लगभग लोगों को जो हुआ था उनको दोनों डोज लगी थी, मेन कारण वो भी है, दोनों डोज जिनको लगी उनके इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी हाँ, अब बात करेंगे भाई, कुछ लोग ऐसे थे जो इन देशों से आए थे, अपना नाम पता गलत लिखवा दिया और पुलिस उनके पीछे है। जी हाँ, आप भी सावधानी रखने की आपको जरूरत पड़ सकती है। यूपी में बता दूं, लगभग 300 यात्री आए थे, जी हाँ, जिसमें से 13 लोगों के नाम और पता गलत लिखवा दिए थे जो अफ्रीका से लौटे थे, हालांकि उनकी जाँच पुलिस कर रही है। चंडीगढ़ में एयरपोर्ट से एक महिला आई थी, जो क्वारंटाइन उनको किया गया था, क्वारंटाइन नियम उन्होंने तोड़ दिए, चेक इन आउट कर लिया, मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया उनके खिलाफ में। जी हाँ, बेंगलुरु एयरपोर्ट से 10 लोग लापता हो गए जो अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से आए थे, पुलिस पीछे है और वो आगे हैं, उनका अता पता नहीं चल रहा है। 60 साल का एक विदेशी था जो इंडिया में था, इंडिया से बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़ के दुबई पहुंच गया था, जो पॉजिटिव आया था। जी हाँ, आंध्र प्रदेश से बात करें तो 30 लोग लापता हो गए, अब दो दक्षिणी अफ्रीका से आए थे, मोबाइल बंद कर लिए, कुछ लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ में भी 16 लोग हैं जो एयरपोर्ट्स के बाद में गायब हो गए, लापता हो गए। पटना में बता दूं, लगभग 560 यात्री आए थे इन देशों से दक्षिणी अफ्रीका, तो बता दूं 85 लोगों को अभी ट्रेस किया जा चुका है, बाकी लोगों का भी अता पता नहीं चल रहा है कि कौन कहां से आया था। जी हाँ, एमपी में भी एक महिला बोत्सवाना से आई थी जो पॉजिटिव पाई गई थी, जो गायब हो गई उसका पता नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब ये जो मैंने बताया है ना, ये लोग गलती कर रहे हैं भाई। अगर आप देखिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, नो डाउट मुकदमा तो दर्ज होगा, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, नंबर बंद कर रहे हैं, गलत एड्रेस और मोबाइल नंबर दे रहे हैं जो नंबर बंद है। और किस कारण से भाई, सिर्फ उनको क्वारंटाइन न कर दे और उनकी जांच न कर दे, यानी फायदा किसको हो रहा है? सरकार पागल है, उनके पीछे वो भाग रही है। लेकिन नहीं जी, कुछ लोगों की सोच अच्छी होती है, हालांकि उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज होने हैं। अगर आप भी भाई किसी देश से आ रहे हैं तो ये गलती न करें, चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना नाम पता एड्रेस चेंज कर देंगे, और तो पुलिस तो जांच करेगी ना आपकी, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, जैसे अभी चंडीगढ़ में हुआ महिला के खिलाफ। दिल्ली एयरपोर्ट पर बता दूं, एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो दक्षिणी अफ्रीका से आ रही थी, उसमें 3 यात्री ऐसे थे जिनको लापरवाही पूर्वक फ्लाइट में यात्रा करवा दी गई। उनके बता दूं, एयर सुविधाएं जो एयर सुविधा पोर्टल है उस पर उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो भी नहीं भरा था, आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो भी बिना अपलोड किए वो इंडिया पहुंच गए थे। जी हाँ, जबकि बिना अपलोड किए वो फ्लाइट में नहीं बैठ सकते थे, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, राजस्थान की अगर बात करें तो भाई राजस्थान की सरकार एकदम सोई हुई मस्त है। राजस्थान में डूंगरगढ़ जिला है एक, आपको पता है डूंगरपुर, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया, प्रशासन ही सामान लेके घर तक पहुंचाएगा, अभी लेटेस्ट न्यूज है अभी, क्योंकि वहां पे कोरोना केस अचानक से बढ़ने लगे थे। और ओमिक्रॉन की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान में 5 केस पाए गए हैं, और कोरोना के मामले भी जयपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल की डेट में बीजेपी पार्टी की सभा थी, आपको पता है अमित शाह जो राजस्थान आए थे, बीएसएफ का उनका प्रोग्राम था। और आज की कल की डेट में अगर बात करें तो कांग्रेस का प्लान है 1,00,000 लोग इकट्ठे होंगे जयपुर में, हालांकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इनको परमिशन नहीं दी थी रैली करने की। तो आपको पता है भैया, एक दूसरे से दबते हैं फिर, तो कांग्रेस वालों ने ऊपर से आदेश दे दिया कि राजस्थान में अपनी सरकार है, राजस्थान में कौन मना करेगा। 1,00,000 लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और ये कोरोना का माहौल है और ओमिक्रॉन का सिस्टम चल रहा है, फिर भी भैया सरकार है, मस्त है, बस उनका क्या है,
पत्र आप वीडियो वायरल हो रहे हैं, पत्रकार पूछे तो बस वो मुंह बंद करके चलते बन रहे, यानी उनके पास जवाब ही नहीं। सरकार उनसे पूछते हैं कि ओमिक्रोन का माहौल चल रहा है, कोरोना के जयपुर में केस बढ़ रहे हैं, आप 1,00,000 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निकल लिए जी, अब बताओ। अब वो भी बेचारे नहीं बोल सकते कि ऊपर से हमारे ऊपर, उनके भी तो ऊपर सीनियर बॉस बैठे हैं ना दिल्ली में, उनका आदेश है, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है नेताओं की, राजनेताओं की, तो उनके भरोसे तो रहने की जरूरत नहीं है, अपना समाधान खुद करिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।